हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू ही करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज मेरे पास छह मूवी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मोटा मोटा यही मूवीज़ हैं जो ठीक ठाक सी थोड़ी सी चल रही हैं, और इसमें से भी कुछ मूवीज़ हैं जो ऑलमोस्ट डाई ऑफ हो रही हैं, जैसे कि गुंतूर कारम, जैसे कि कैप्टन मिलर, जैसे कि मेरी क्रिसमस। तो बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ नहीं है जो बहुत धमाल कर रही हो। इस टाइम सिर्फ एक ही मूवी है जो लाइमलाइट के अंदर है, जो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा कर रही है, वो है हनुमान। और जाते जाते डंकी का एक अच्छा पकड़ है जो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब फेड हो रहा है। हम बात करते हैं पहले मेरी क्रिसमस की। तो मेरी क्रिसमस का डे 11 जो है सिर्फ 30 लाख रुपए लेके आता है। कल फिर भी अच्छी जंप थी तो 1 करोड़ रुपए टच कर गया था संडे वाले दिन। 17.5 करोड़ जो है वो हो गया 17.8 करोड़ रुपीज़, और 24 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। इस फ्राइडे के बाद ये थिएटर से लगभग लगभग उतर जाएगी। कैप्टन मिलर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है 11th डे के अंदर। कल 1.5 करोड़ रुपये किया था, सिर्फ 50 लाख किया, तो अब इसका भी थैंक यू वेरी मच हो गया। 44.5 है, धीरे धीरे ये 50 नेट इंडिया के अंदर करेगी, और तब तक ये 75 करोड़ रुपीज ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कर लेगी एट मोस्ट। वहीं बात करते हैं गुंतूर कारम की। जो डे 11 है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ आज करेगी। और बाहर भी जो महेश बाबू के फैंस हैं उन्होंने भी थोड़ा सा इस मूवी को ओके ओके करके रिजेक्ट कर दिया है। 3.5 करोड़ रुपीज़ ने कल किया था, आज मेजर ड्रॉप के बाद सिर्फ 1 करोड़ रुपये है। तो 119 करोड़ रुपये जो कल मैंने आपको बताया था वो 120 करोड़ रुपये हो गया, और 171 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। बाहर के बहुत सारे स्क्रीन्स के अंदर आज ये मूवी उतर गई है। अब इसका 200 करोड़ रुपए होता है अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो हम कल बात कर लेते। तो ये मोटा मोटा लेट 180s के अंदर या फिर अर्ली 190s में जाके टच करेगी। अभी ऐसा इस स्पीड से लग रहा है कि ये 185 पे नेट इंडिया के ग्रॉस जो है वो उस पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के ऊपर ये अपना दम तोड़ देगी, विच विल बी ए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। एक्चुअली में बहुत सारे लॉसेज हुए हैं। गुंतूर कारम एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है, कैप्टन मिलर भी लॉस मेकिंग है, मेरी क्रिसमस भी है, और फिर मैं अटल हूँ जो कि अभी रिसेंट आई है, वो भी डे 4 के अंदर सिर्फ 1 करोड़ रुपये करेगी। कल 2.5 करोड़ रुपये करा था तो ऐसा लगा था कि शायद पिक कर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। 6.5 करोड़ किया है, तो मोटे मोटे लेवल पे ये हद से हद 11 करोड़ रुपये 11.5 करोड़ रुपये करके इसका भी लाइफ टाइम बिजनेस क्लोज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगी पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके अंदर नुकसान ही होगा। बाकी बात करते हैं दो मूवीज़ की, जैसे डंकी की बात करते हैं। डे 33 जो है इसका वो सिर्फ 15 लाख रुपए लेके आएगा, कल 45 लाख कर लेके आया था। 226.45 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिकम 226.6 करोड़ रुपीज़, और 447 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। मुझे लगता है धीरे धीरे ये 450 करोड़ रुपीज़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके अपना एक अच्छा खासा सा रन पूरा करके थैंक यू वेरी मच कर देगी। वहीं हनुमान की बात करें तो हनुमान का ऐसा लग रहा था कि यार 100 हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है, अब 200 इतनी ईजिली हो गए। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 350 करोड़ कम से कम करेगी आज से, क्योंकि जो इसके नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। हालांकि जो आज का ड्रॉप है वो कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कल 17 करोड़ किए थे, आज लगभग लगभग 6 करोड़ रुपये करें, लेकिन कल ये थोड़े थोड़े सारी मूवीज़ पिक करेंगी आज, क्योंकि अयोध्या का जो कार्यक्रम है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, सोच रहे थे, वहाँ पर देख रहे थे लाइव टेलीविज़न के ऊपर, कुछ लोग वहाँ पहुँचे भी हुए थे। तो कल से थोड़ा सा ये पिकअप करेगा फिर से। तो कल का जो 17 करोड़ है वो अब हो गया है 6 करोड़ रुपीज़, आज का टोटल हो गया 132 करोड़ से बढ़ गए 138 करोड़ रुपीज़। और अच्छी बात यह है कि 200 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुका है, तो 206 से 207 करोड़ रुपए के आसपास कुछ रिपोर्ट होगा। 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका ओवरसीज का कलेक्शन हो चुका था, बहुत ही जल्दी ये 50 करोड़ भी ओवरसीज में कर लेगी, विच विल बी अ वेरी डिसेंट नंबर कंसिडरिंग के जो भारतीय बाहर रहते हैं उन्होंने हनुमान के ऊपर जो ये मूवी बनी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।